अध्यक्ष मायावती जी ने जो सवाल उठाया किस तरीके से ये सत्ता बल और बाहुबल का चुनाव प्रशासन के साथ गठबंधन करके जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, किस तरीके से खुले तौर पर इन्होंने लोकतंत्र का चीर हरा किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इस पर काउंटर करूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पवन, चूंकि मेरठ में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आप आए हैं, वहां पर अगर हम इस सीट को देखें तो वाकई एक बड़ा मैसेज यहां से जाता जरूर है, लेकिन जो कमाल आपकी पार्टी को भी करना चाहिए था डॉक्टर पवन, वैसी तस्वीर तो नजर नहीं आई। आप शायद म्यूट हैं, जरा आप अनम्यूट कर दें डॉक्टर पवन। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, और इस जीत में आदरणीय ओवैसी साहब की मेहनत रंग लाई है, आदरणीय शौकत अली साहब की मेहनत रंग लाई है। और रही बात मुसलमानों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, हमारे बीच में बासित अली साहब हैं, उनसे दो प्रश्न पूछ लीजिएगा कि कर्नाटक में जब मुस्लिम आरक्षण को हटाया गया तो क्या इनके अंदर इतना साहस है कि उसका विरोध कर सके? तेलंगाना में जाते हैं तो वहां पर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण को हटाने की बात कही जाती है, तब ये अल्पसंख्यक मुस्लिम मोर्चा अपने जो है मुंह क्यों सिल लेता है। और इनसे एक सवाल और पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय में, नगर निगम में कितने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है? इनकी कलई खुल जाएगी। और ये वो मुसलमान हैं जिनकी हालत आप वैसी ही है जैसे अकबर के दरबार में राजा टोडरबल, राजा मान सिंह, बीरबल और राजा और तान सिंह की हुआ करती थी। ये वही मुसलमान हैं जो उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सड़े हुए मकान लेकर के ये कहते हैं कि हमको आवास योजना मिली है। ठीक है, ठीक है, बासित अली जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। हमको राशन दिया गया अली जी, आप पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। असल में जो इनका तुष्टीकरण का चश्मा है, धर्म और मजहब के नाम पर केवल इनकी पूरी सियासत टिकी हुई है। अभी जो इन्होंने नाम लिए अकबर के दरबार में, जितने इन्होंने नाम लिए हिंदू नाम लिए, मैं आप जब आप बोले मैं चुप रहा, अब चुप रहिए पवन जी चुप रहिए। मैं बोला नहीं, जब आप बोले चुप रहिए, मेरी बात सुनिए पूरी, जवाब सुनिए पहले, आप जवाब सुनिए पवन जी, अगर सवाल उठाए तो जवाब भी सुनिए पहले। मैं आपके पास लौट रही हूँ। इनका चश्मा रखेंगे तो अच्छा होगा। इनका चश्मा केवल और केवल हिंदू मुसलमान पर आकर रुक जाता है, ये नहीं देखते हैं कि जिस गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड मिलता है उसकी मदद क्या होती है। ये नहीं जानते हैं कि जिसको छत मिल जाती है, जिसको राशन मिलता है, जिसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है, ये नहीं जानते हैं कि गरीब गरीब है। इनको तो हिंदू और मुसलमान करना आता है, इनको तो गलत बयानी करनी आती है। इनके जो पार्टी के नेता हैं उनका चश्मा केवल और केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान ना हो तो इनकी दुकान बंद हो जाए। आज ये समाजवादी पार्टी और बसपा की बात करते हैं, ये भाजपा की बात करते हैं, इनसे पूछिए कि इस बार ये हैदराबाद के अंदर बुरी तरह हारने वाले हैं, इनको सीट नहीं मिलने वाली है। ये तो मुसलमानों ने केवल समाजवादी पार्टी को जवाब देने के लिए, मुसलमान किसी का बंधुआ नहीं है, मुसलमान भाजपा के साथ आएगा। समझिए कि मुस्लिम वोटर भी अब बीजेपी के साथ आ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है मुस्लिम वोटर का बीजेपी के प्रति, आप समझ रहे हैं बात? नहीं आकांक्षा जी, भरोसा नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही मुसलमान हैं जो उत्तर प्रदेश में भय की राजनीति करते हैं। भाजपा का भय इन्होंने दिखाया है, भाजपा के भय दिखा करके, डर दिखा करके ये जो है गरीब मुसलमानों का वोट लेने का काम करते हैं। हैदराबाद की बात करते हैं आप, तेलंगाना में जो है मुस्लिम आरक्षण को हटाने की बात कही अमित शाह साहब ने, क्या इसका विरोध करेंगे? क्या मुस्लिम आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? इनसे साफ साफ मैं सवाल पूछता हूँ, इनसे पूछिए कि मेयर में कितने प्रत्याशी मुसलमान को टिकट दिया गया है,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी बासित अली जी से। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त विनोद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेयर हैं चुकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इनके लिए कहा जाता है कि मुरादाबाद की राजनीति के चाणक्य है। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका, पांचवी बार जीत दर्ज की आपने, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और क्या कहेंगे इतनी बड़ी उपलब्धि पर? आपको आवाज मिल रही है विनोद जी? आप मुझे आवाज मिल रही है आपका प्रश्न? सर पांचवी बार आपने जीत दर्ज की है, पांचवी बार इस कुर्सी पर आपने एक बार फिर से कब्जा जमाया है, बड़ी संख्या में लोगों ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए? हमारे लिए जो हमारे काम के आधार पे हमने जनता के बीच गए और जनता ने हमें एक बार फिर विकास के लिए हमें चुना और भारी अंतर से पिछली बार के मुकाबले में हमें लगभग 30,000 वोट फालतू मिले। हमने 15 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे और 15 में से हमें वहां से भी 3-4% वोट हमारे पास मिला। सर ये मुस्लिम वोटर्स का आप पर भरोसा बढ़ना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको आप लेते हैं? क्योंकि आप सिर्फ आप पर ही नहीं, पूरी बीजेपी पर हम कह सकते हैं, सीएम योगी पर हम कह सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा बढ़ रहा है। हमने विभिन्न नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषद में, सभी में हमने अभी इस बार मुस्लिम वोटर्स को उतारा है और मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। इस कारण से हमें मुसलमानों का भरोसा मिलना शुरू हो गया। सर एक बहुत बड़ा ये मैसेज है उन लोगों पर जो आरोप ये लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप कर रहे हैं, और वाकई इतनी बड़ी जीत दर्ज करना, जैसा कि आपने कहा कि पिछली बार के अकॉर्डिंग आपका वोट परसेंटेज भी बढ़ गया है, अब आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है सभी के लिए, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या फिर हिंदू समाज से? मैंने पिछले 15 वर्ष के अपने 2 शासनकाल में कभी भी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य किया है। उसी का परिणाम है कि मुझे सभी धर्म पति का निष्पक्ष होकर मिलता है। उसी का रोल से मुझे 5वीं बार 2 बार मिली पत्नी को और 3 बार मिलते मुझे ठीक है। ठीक है मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए कुछ खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अब वापस से उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, और चूंकि बासित अली जी का ही रुक कर लेते हैं। बासित अली जी, अखिलेश यादव तो आप पर अभी भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे झूठ आप फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा की आप राजनीति कर रहे हैं, और प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि मैनपुरी को ही देख लीजिए, वहां पर वोटर्स को वोट डालने तक नहीं दिया गया। अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा हतोत्साहित हैं। हाँ। वो जहां जहां प्रचार के लिए जाते हैं वहां समाजवादी पार्टी जीत जाती है। हालात ये हैं कि जब वो मेरठ के अंदर गए तो मेरठ में उनके 3 विधायक थे, उनके साथ कोई भी विधायक रथ पर नहीं था। यहां तक के मेरठ के मुसलमान तो ये भी कहते नजर आए कि जब वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर वो प्रचार कर रहे थे तो उनको लग रहा था ये MIM का नुकसान करने के लिए आए हैं, ये MIM को हराने के लिए आए हैं। हालांकि ये MIM का और समाजवादी पार्टी का है, लेकिन आज उनकी छवि वोट कटवा की हो गई है कि वो वोट काटने के लिए आए हैं। बसपा की छवि वोट कटवा की हो गई है, ये दल आपस में वोट कटवा की राजनीति कर रहे हैं। ये केवल 20% लोगों को, मुसलमानों को वोट बैंक मानते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारतीय माना है, उनको वोटर माना है, उनको हर सुविधा देने का काम किया है, उनको उनका सम्मान देने का काम किया है। ठीक है, उनको जो योजना ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अभी रोक रही हूँ।